तो फ्रेंड्स, आज हम आपको पढ़ाने का एक और नया वीडियो है। और हमारे इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत कुछ समझाया है यहाँ पर, तो कंप्यूटर की प्लेलिस्ट देखिए। और कंप्यूटर की प्लेलिस्ट के अंदर मैंने बहुत सारे अलग तरह के वीडियो बनाकर रखे हुए हैं, तो ध्यान से समझे, ध्यान से पढ़े, और ये बहुत ही आगे चल कर काम आएगा। तो पिछले वीडियो में आपको समझाया था डेफिनेशन और क्वालिटी रिक्वायरी रिलेशन क्या होता है यहाँ पर, और निजी पोर्ट के अंदर मैंने आपको समझाया कि इंट्रोड्यूस किया था कि जो हमारे जो मेल टू मेल और फीमेल कनेक्टर होते हैं, तो किस तरह की जो ये हमारे कलर्स के थ्रू हमारे सिग्नल जो होते हैं हमारे फिंग के अंदर कौन कौन से वहाँ कम्युनिकेशन करके हमारे इंपोर्टेंट वर्कआउट होते हैं यहाँ पर। जब भी हमारा जो पोर्ट से हमारा विजय पोर्ट के अंदर से जो भी हमारा जो ये पिंस होते हैं और हमारे मॉनिटर के अंदर जाता है, तो जो सिग्नल जाता है वो किस तरह से जाता है मैं पिछले वीडियो में बताया था। तो सिग्नल इनकरेक्ट सिग्नल कॉम्बिनेशन रेशियो केबल क्या होता है यहाँ पर, जब केबल डिसकनेक्ट करते हैं तो भी क्या होता है, तो जो भी हम कनेक्ट करते हैं हमारे एलसीडी के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे एडेप्टर ऑफ विजय, तो एडेप्टर विजय पढ़ेंगे हम, या तो कि विजय एडेप्टर आप बोलो, लेकिन टोटली हम जो पढ़ेंगे एडेप्टर के बारे में कि विजय एडेप्टर क्या होता है। तो बेसिकली मैं आपको, ये हमारी पांचवी वीडियो है विजय पोर्ट की, तो पिछली वीडियो देखने के बाद ये वीडियो देखो वरना पता नहीं चलेगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर मैं कुछ और नए चेंजेस किए हैं यहाँ पर मेरे चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर आपको यहाँ आना है और यूट्यूब ओपन कर लेना है, या तो फिर आपके पास मोबाइल हो तो मोबाइल की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है, और फिर यहाँ पर लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। तो ये जो एक मेरा नाम चेंज कर दिया है मेरे चैनल का, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए। तो पहले यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैं ये एंटर करता हूँ नेम, तो मेरे सामने एक ये जो देख सकते हो कि सामने ये मेरा लोगो है चैनल का। तो जो पुराने मेरे वीडियोस है उसके लिए भी मैंने यहाँ पर जो है नेम पुराना रखा हुआ है, लेकिन अभी ये मैं पुराना नेम हटा कर देख सकते हो कि पुराने जो मेरे वीडियो से, या तो फिर आप कन्फ्यूज़ ना हो इसलिए यही मैंने रखा है, लेकिन आपको सर्च करना है इसी तरह से। तो ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकॉन पर क्लिक करना है, जिससे जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक पर है। और यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगी, ओके, बहुत सारे अलग तरह की कोर्सेज मिलेंगे। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको मिलेगी, यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक कंप्यूटर्स के लिए। तो मेन जो चीज़ें हैं यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ मैंने पहले तो आपको विंडोज 7 का बेसिक आपको प्लेलिस्ट ओपन करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर्स के ऊपर क्लिक करके बताता हूँ। तो ये जो है यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी बताई गई किस तरह से ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, विंडोज 7 के अंदर कौन कौन से फीचर्स है, जो नए कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं या फिर उनको पता ही नहीं है कि क्या है यहाँ पर इन कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर 7 विंडोज 8 विंडोज 8.1 विंडोज 10, इन सभी की मैंने प्लेस बना कर रखी हुई है। प्लस मैंने यहाँ पर देख सकते कि यहाँ पर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है, ये प्ले लिस्ट आपको मिलेगी, ओके। तो इस प्ले लिस्ट के अंदर भी आपको अलग तरह की इंफॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये प्ले लिस्ट चेक कीजिए। सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है, सभी वीडियो मेरी जो होती है वो इंफॉर्मेशन वाइज होती है, पेटीएम मिंत्रा या हो ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से है, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जब तक आप आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तब बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एडेप्टर पहले आप समझते हैं एडेप्टर क्या होता है। तो एडेप्टर विज ए मिनी विजे एडेप्टर वेरियस एडेप्टर कैन बी परचेज टू कन्वर्ट विजे टू अदर कनेक्टर टाइप्स। तो विजे और मिनी विजे एडेप्टर जो एडेप्टर होते हैं हमारे, तो उनका काम आप परचेज कर सकते हो, लेकिन वो कब और किसके लिए होता है कि दूसरे कनेक्टर के अंदर उसको कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए। तो ये काम करता है एडेप्टर। अब एडेप्टर बहुत सारे, अकेला विजे का नहीं होता है, डीवीआई का होता है। आपको मैंने सीरियल पोर्ट में बताया था पिछली वीडियो के सीरियल पोर्ट के अंदर भी हमारे एडेप्टर्स होते हैं। तो ये क्या करता है, कनेक्टर कन्वर्ट कर लेता है। तो वन कॉमन वेरिएटी इज अ डीवीआई टू विजे एडेप्टर। ये डीवीआई टू विजे एडेप्टर बहुत ही काफ़ी फेमस है। विच मेनी इज पॉसिबल बिकॉज मेनी डिवाइस इंटरफेस कैरी विजे कंपैटिबल एनालॉग सिग्नल। तो डिवाइस डिवाइस के अलावा भी विजे कनेक्टर जो है एनालॉग सिग्नल को, यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर विजे तो डीवीआई है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा ये एडेप्टर कहते हैं इसको, जो चेंज करने का काम करता है एक टेक्नोलॉजी से दूसरी टेक्नोलॉजी के अंदर। तो इनमें फर्क इतना होता है कि जो अंदर के वायर के कनेक्शन जो होते हैं वो थोड़े से उनकी कम्युनिकेशन चेंज हो जाती है, लेकिन उसका काम एक ही तरह का होता है। यहाँ पर देख सकते हो कि अगर आपके पास वीजीए पोर्ट नहीं है, सिर्फ डीवीआई पोर्ट है, तो डीवीआई टू वीजीए करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर भी केबल अलग तरह का लगेगा, तो केबल आपको एक वीजीए केबल लगेगा और डीवीआई पोर्ट लगेगा। मान के चलते हैं कि हमारे मदरबोर्ड के अंदर सिर्फ हमारा वीजीए पोर्ट नहीं है, सिर्फ एचडीएमआई पोर्ट है, ठीक है, एचडीएमआई पोर्ट। तो मैं एचडीएमआई टू वीजीए में ले सकता हूँ, ओके, क्योंकि मेरे मॉनिटर है वीजीए के अंदर, एचडीएमआई पोर्ट नहीं है। तो इस तरह से मैं एडेप्टर को यूज करके कन्वर्ट कर सकता हूँ किसी भी टेक्नोलॉजी को। तो आपको नाम पता होना चाहिए और उसका पोर्ट का ऐप पता होना चाहिए। जैसे कि ये वीजीए में जानता हूँ कि वीजीए पोर्ट ब्लू कलर का होता है, 15 पिनों का होता है इस तरह का, और उसको मुझे दूसरी सिस्टम के अंदर मुझे नहीं मिल रहा है। जैसे कि मेरा मान लो कि ये वीजीए पोर्ट मेरे मदरबोर्ड के अंदर है, लेकिन जो मेरी एलसीडी है, एलईडी है, उसके अंदर एचडीएमआई पोर्ट लगा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, एचडीएमआई टू वीजीए केबल लूँगा, मतलब एडाप्टर लूँगा। तो एडाप्टिंग फ्रॉम HDMI to VGA directly not possible because HDMI include no analog signal. Okay, तो for convert to okay तो HDMI क्या होता है, एक high resolution के लिए conversion and from digital format like HDMI to DVD scan convert is required. तो आपको क्या करना होगा कि कुछ ऐसे डिवाइस आते हैं जो एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, तो एडेप्टर से काम नहीं चलेगा। देखो यहाँ पर मैंने समझाया था कि वीजीए टू एचडीएमआई भी मैंने कहा था, लेकिन उसके अंदर दूसरी वो चीज़ आती है कि एनालॉग सिग्नल जो होते हैं हमारे, एनालॉग सिग्नल जो होते हैं वो हमारे वीजीए और डीवीआई ये दोनों के अंदर ही हमारे काम करेगा, लेकिन एचडीएमआई में जाओगे तो डिजिटल टेक्नोलॉजी है। तो मैंने पिछली कुछ वीडियो में समझाया था कि एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं, एनालॉग के सिग्नल किस तरह से हम पहचानते हैं, ये भी मैं आपको बताया था। तो एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स में काफ़ी अंतर होता है, और एनालॉग का काम होता है कि जब वो सीक्वेंस वाइज होती है, लेकिन जबकि डिजिटल के अंदर आप उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, उसका काम कॉम्प्लिकेशन के साथ साथ उसका यहाँ पर उसका जो ट्रांसफरिंग रेट होता है वो भी ज़्यादा होता है। तो विजे केबल को इस तरह से बनाया गया, उस तरह से सेटअप किया गया कि जब भी हमारा कोई भी एक कंप्यूटर हो या दूसरा कंप्यूटर हो, वो कहीं ना कहीं हमारे विजे पोर्ट से कनेक्ट करते हैं। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आप देखोगे कि एच डी एम आई टेक्नोलॉजी जो है वो अब एनालॉग पर ही काम नहीं करती है, वो सिर्फ डिजिटल पर ही काम करती है, लेकिन डी वी आई को भी एनालॉग सिग्नल पर काम करता है यहाँ पर। तो ऐसा क्यों होता है कि एच डी एम आई जब पोर्ट में पढ़ा होगा तब मैं उसके अंदर काफ़ी डिटेल में बताऊंगा कि कौन से ऐसे सिस्टम थी को जिनके कारण ये एच डी एम आई पोर्ट को डिजिटल सिस्टम में ला गया, क्यों एनालॉग सिस्टम में नहीं रखा गया। लेकिन अब बात करते हैं विजीए सिग्नल्स की, विजीए जो है एनालॉग सिग्नल को हो ज़्यादातर वो इम्पोर्टेंट
यहाँ पर रखा गया है यहाँ पर। तो एनालॉग और डिजिटल दो तरह के सिग्नल्स होते हैं यहाँ पर, जब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप डायरेक्टली अगर आप करने की कोशिश करोगे तो वो सपोर्ट नहीं कर पाएगा। अगर इसके लिए आपको चाहे तो आपको कन्वर्टर यूज़ करना होगा यहाँ पर। ओके, तो यही चीज़ होती है यहाँ पर कि विजय पोर्ट के अंदर आप एग्जैक्टली जो भी काम करते हो, कोई भी आप सिग्नल या जो भी अब मेरा डिस्प्ले चल रहा है तो ये विजय पोर्ट में चल रहा है। लेकिन मान के चलते हैं कि हमारे एनालॉग सिग्नल जो है वो सिर्फ विजय पोर्ट के अलावा एच डी में मेरा पोर्ट है मदरबोर्ड के अंदर, तो मैं कर सकता हूँ। तो विजय आउटपुट टू इंटरफेस विथ डिफरेंट सिग्नल, तो विजय आउटपुट जो है वो मोर कॉम्प्लेक्स कन्वर्टर्स में भी है। तो ऐसे जो सिस्टम जो होते हैं जो विजय पोर्ट के अंदर जो है कन्वर्टर से होते मोस्ट मोर देन एन एक्सटर्नल पावर सोर्स इसके अंदर लगाना पड़ता है, ऑपरेट आर इनहेंसलिंग लॉस। तो यहाँ पर अगर आपके पास मॉनिटर के अंदर ये देख सकते हो कि एनालॉग सिग्नल का विजय पोर्ट है और मान के चलते हैं कि मदरबोर्ड के अंदर HDMI पोर्ट है, ठीक है, तो मुझे एक्सटर्नल पावर सोर्स वाला कन्वर्टर यूज़ करना पड़ेगा। तो एक पिन जाएगी मेरे यहाँ पर मॉनिटर के अंदर और दूसरी पिन जाएगी हमारे कन्वर्टर के अंदर। और अगर मैंने मॉडर्न डिस्प्ले ASD लाख मल्टीपल इनपुट VGA, ओके, तो किस तरह से जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी अभी आ रही है उसके अंदर VGA पोर्ट तो इंक्लूड होता है, साथ ही साथ HDMI भी होता है, तो वो किस तरह से काम, क्योंकि उसी के अंदर ही एक कन्वर्टर कन्वर्ट करने के लिए एक सर्किट उसकी जो खुद उसकी अपनी IC होती है। तो मेनी मॉडर्न डिस्प्ले के अंदर आप देखोगे HDMI भी पोर्ट होता है, VGA पोर्ट भी डिस्प्ले में होता है, तो इन विथ केस अडेप्टर आर नॉट नेसेसरी। तो ऐसे में आपको कन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आपके पास ऑलरेडी HDMI पोर्ट आपकी डिस्प्ले पोर्ट में है। तो जैसे यहाँ पर आपका सब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक पोर्ट जो होगा मुझे कन्वर्टर लगाना है तो एक पोर्ट है मेरे VGA HD मान के चलो कि मेरे कंप्यूटर के अंदर HDMI ही पोर्ट है, VGA पोर्ट नहीं है, लेकिन मेरे डिस्प्ले के अंदर VGA पोर्ट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अडेप्टर यूज़ करना पड़ेगा। उनमें से एक ये जो ये वाली पिन जो है ये वाली पिन वो सीधी जाएगी मेरे डिस्प्ले के अंदर और दूसरी भी ये वाली पिन जो है कन्वर्टर में जाएगी। तो कन्वर्टर क्या करता है, मेरे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करके क्या करेगा, वो आउटपुट देगा। तो फिर अगर आपका डिस्प्ले एनालॉग पर चलता है तो डिजिटल को कन्वर्ट करके एनालॉग पर करेगा। तो VGA कैन ऑल्सो स्कार्ट इन सम केस। तो स्कार्ट क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं एडेप्टर टू स्कार्ट इन सम केस, कभी कभी ही आपको जरूरत पड़ेगी बिकॉज सिग्नल एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपैटिबल इन द करंट सिंक्रोनाइजेशन रेट आर सेट बाय द होस्ट केस। तो इसका कारण क्या होता है कि जब भी हम कोई भी एनालॉग सिग्नल यूज करते हैं तो इसकी जो सिग्नल्स और इलेक्ट्रिसिटी कंपैटिबल भी कंपैक्ट होना चाहिए। मैं मॉडर्न ग्राफिक्स एडेप्टर कैन मॉडिफाई देयर सिग्नल इन सॉफ्टवेयर। कुछ ऐसे एडेप्टर्स भी होते हैं ग्राफिक्स एडेप्टर जिसको मैं कहूँगा कि हमारा जो ग्राफिक्स कार्ड वगैरह होते हैं इंक्लूडिंग रिफ्रेश रेट, जो हमारा रिफ्रेश सिंक्रोनाइजेशन लेंथ प्रायोरिटी एंड नंबर ऑफ ब्लैंक लाइंस। तो ध्यान से देखो कि ये पाँच चीज़ों के कारण ये हमारा एनालॉग थोड़ा सा चेंज हो जाता है यहाँ पर। तो पहला तो हमारा होता है सब कुछ सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई किए जाते हैं यहाँ पर, जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए उसको और हाई लेवल के ऊपर ले जाता है। दूसरा कि रिफ्रेश रेट होता है, तो ग्राफिक्स को और अच्छी तरह से जो रिफ्रेश रेट को और हाई लेवल पर ले जाने के लिए रिफ्रेश रेट को यहाँ पर मॉडर्नाइज जो होता है हमारा कन्वर्टर ये काम करता है। और तीसरा जो होता है सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम, जो हमारा जो कोई भी मान लो कि ये एनालॉग पर चल रहा है और ये डिजिटल पर चल रहा है, इसके अंदर VGA पोर्ट नहीं है, तो मैं क्या करूँगा HDMI से VGA पोर्ट को कन्वर्ट करने वाला मुझे एक्सटर्नल डिवाइसेस लगाना पड़ेगा तब जाकर ये काम करेगा। तो पर्टिकुलर इश्यू इंक्लूड इंटर लेयर सपोर्ट एंड कॉस्ट रिजोल्यूशन 720x576। ये है हमारा मॉनिटर का, ये वाला CRT मॉनिटर का हमारा जो है ये
रेफरेंस सपोर्ट इतना ही कर पाएगा, इतना ही आपके पास आउटपुट मिलेगा वीजीए पोर्ट के अंदर, ओके। लेकिन आप हम मॉनिटर की बात करते हैं तो अंडर रिस्ट्रिक्शन सिंपल सर्किट हमारे पास होती है कॉम्बाइन इन वीजीए एड्रेस सेपरेट हमारे सीआरटी मॉनिटर में, सिंक्रोनाइज़ सिग्नल्स कार्ड कॉम्पेटेबल सिंक्रोनाइज़ में यहाँ पर। लेकिन आज के टाइम के अंदर जो मॉडर्न मदरबोर्ड आ रहे हैं यहाँ पर, जैसे देखिए मॉडर्न मदरबोर्ड है, और इस मॉडर्न मदरबोर्ड के अंदर आपको सिंपल सर्किट अब वीजीए नहीं मिलेगी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एचडीएमआई पोर्ट ही यूज़ करना पड़ेगा। तो ऐसे में मुझे सीआरटी मॉनिटर चलाना है इसी मदरबोर्ड के अंदर, तो मुझे कन्वर्टर यूज़ करना पड़ेगा, या तो फिर मुझे एचडीएमआई ये डायरेक्ट एलसी डिस्प्ले चाहिए होगी, एलसीडी डिस्प्ले चाहिए होगी। तो एलसीडी डिस्प्ले में एचडीएमआई पोर्ट है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके, क्योंकि मुझे एक तरह का एक सिंक्रोनाइज़ सिस्टम ऑटोमेटिकली मुझे मिला। लेकिन नहीं है, मान के चलते हैं कि इसके अंदर भी एचडीएमआई पोर्ट नहीं है एलईडी के अंदर या एलसीडी के अंदर, तो मुझे वहाँ पर भी मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, एडेप्टर यूज़ करना पड़ेगा, कन्वर्टर यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें भी आप इस तरह का मुद्दा भी चला सकते हैं, इसके अंदर भी आप चला सकते हो। लेकिन डिफरेंट क्या होता है कि आपके सिग्नल का जो यूज़ करने वाला टेक्नोलॉजी है वो कौन सा है, वो रिसीव करने वाला जो मतलब वो सिग्नल भेज रहा है आउटपुट, तो यहाँ पर इसके लिए हुआ इनपुट, ओके। तो मदरबोर्ड भेज रहा है आउटपुट उस टेक्नोलॉजी वीजीए के थ्रू, तो इसके अंदर भी वीजीए होना चाहिए तभी चलेगा। लेकिन इसके अंदर भी नहीं है तो मुझे कन्वर्टर यूज़ करना पड़ेगा, ओके। तो ये काफ़ी डिफरेंसेस है, तो आपको पता चल गया होगा कि एडाप्टर क्या होता है यहाँ पर और कन्वर्टर क्या होता है। तो एडाप्टर और कन्वर्टर ये काफ़ी अलग तरह के होते हैं यहाँ पर, ओके। तो काफ़ी हाई लेवल की सिक्योरिटीज़ वगैरह जो होती है, एनालॉग सिग्नल और एनालॉग कम्युनिकेशन वगैरह जो होती है, इसी के कारण होते हैं यहाँ पर। तो जब भी आप कोई भी सिस्टम यूज़ करते हो तो आपके ऊपर समझना, आपको ये समझना होगा क्योंकि आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे वीजीए केबल के बारे में कि वीजीए केबल के अंदर कौन कौन से हमारे केबल्स और वायर्स होती है, जिसको 50D15 बोला जाता है या DE15 बोला जाता है, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में आई विल कंटिन्यू इन वीजीए केबल, नेक्स्ट वीडियो में उसको समझाऊंगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो थैंक यू, हैव नाइस डे, नेक्स्ट टाइम आई विल शो यू वीजीए केबल। सो जैसे क्योंकि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेस बना रखी हुई है, तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि जैसे तो विंडो 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है, ओके। तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है, कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी, कंट्रोल पैनल क्या होता है, ओके। और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी के और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर, ओके। तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर, ओके। तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर, ओके। तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए, ओके। तो ये पुराने आपके लिए, और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायर वॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊँगा, ओके। एंड्रॉयड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें, ओके। तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है, ओके। तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी, ओके। और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की
प्लेलिस्ट के अंदर आपके मोबाइल के अंदर और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो, तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पूरा नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल यही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।